दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करेंगे MI के बियर्ड ट्रिमर की और इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही साथ इसका रिव्यू भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। आज हमारे पास है MI का बियर्ड ट्रिमर IPX7 वॉशेबल बॉडी वाला। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बॉक्स हमें देखने को मिलता है साइड से, और ये कुछ स्पेसिफिकेशन इसके लिखे गए हैं। बियर ट्रिमर है, इसमें 1 यूनिट है इसकी, जो कि यूज़र मैनुअल और पावर कोड ट्रिमिंग कॉम और ट्रेवल पाउच और क्लीनिंग ब्रश के साथ हमें मिलता है। प्राइस की हम बात करें तो यहाँ पर 14,999 रुपये लिखी गई है, और अगर हम इसकी ऑनलाइन प्राइसिंग की बात करें तो 1100 रुपये का यह मेरे को मिला। ये देख सकते हैं हम, कंट्री ओरिजिन जो है वो चाइना है, मेड इन इंडिया करके अभी तक तो ये ट्रिमर नहीं आया है फिलहाल, क्या पता आगे अब मेड इन इंडिया करके देने लगे। सामने से अगर हम देखें तो बॉक्स कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसमें कि यहाँ पर MI बियर्ड ट्रिमर यहाँ पर लिखा गया है, इनोवेशन फॉर एवरीवन ऐसा करके यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें अगर देखें लेंथ जो है वो 40 लेंथ सेटिंग दी गई है, 90 मिनट का इसका कॉर्डलेस यूज़ है, मतलब कि बैटरी इसकी जो है वो 90 मिनट तक चलेगी, और सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड्स हैं इसके। तो इस प्रकार से यह देखने को मिलता है, इसकी लगी हुई है। तो अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं बाकी, तो हम इस प्रकार से खोल के देखते हैं। यहाँ पर अंदर से एक वाइट बॉक्स है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बॉक्स देखने को मिलता है, और इसको साइड रखते हैं। अंदर यूज़र मैनुअल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, कहाँ गई ये है। तो एक यूज़र मैनुअल हमें देखने को मिलती है, इसमें कुछ ज्ञान भरी बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में देखें तो बियर्ड स्टाइल करके यहाँ पर कुछ स्टाइलें दी गई हैं, बाकी और चीज़ इसमें यूज़र मैनुअल है, कैसे इसकी सेफ्टी और इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सब दिखाया गया है। बाकी यहाँ पर ट्रिमर का दिखाया गया है, कैसे आप यहाँ पर प्लग इन करेंगे, ऑन ऑफ का बटन हो गया, नॉब कैसे ऊपर नीचे करनी है, पावर कॉर्ड ये है करके, और इसका ट्रैवलिंग पाउच का सारी डिटेलें दी गई हैं। ये आपको इसके यूज़ करने का तरीका यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं इस सारे मैनुअल पे कैसे आपको ये यूज़ करनी है। तो चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और इसका रिव्यू आपको मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि यह ट्रिमर जो है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो लगभग मेरे को इसे यूज़ करते हुए यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी ये एक और ट्रिमर मैंने मंगाया था, 2 ट्रिमर हो चुके हैं मेरे पास MI के, क्योंकि यह मैंने इसलिए मंगाया कि कुछ खूबियाँ हैं दोस्तों, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और ये वाइट बॉक्स ओपन कर लिया हमने। ये देखिए तो हमारा ट्रिमर है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा यह ट्रिमर, और इसको रख लेते हैं साइड, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या दिया गया है। एक यहाँ पर ब्रश दिया गया है इसको साफ करने के लिए, ये पाउच कवर, और ये केबल दी गई है देख सकते हैं आप, USB वाली, जो कि हमारे कोई भी चार्जर में फिट हो जाएगी, और आगे से तो ये चार्जर का वो है जो यहाँ पर लग जाएगा इस पर, और ये ट्रैवलिंग पाउच। बॉक्स में एक कॉम्बो और दिया गया है, एक यहाँ पर कॉम्बो और देखने को मिलता है, ये एक कॉम्बो है, एक कॉम्बो यहाँ पर लगा हुआ ही मिलेगा आपको ये। अब इसकी खासियत देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक से, ये आप देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर 1 से लेके यहाँ पर 10 mm तक यहाँ पर दिया गया है, तो 1 से 10 mm तक आप कितनी भी बियर्ड बनानी हो वो बना सकते हैं इस वाले कॉम्ब के जरिए। तो अगर आप जैसे ही ये कॉम्ब चेंज करेंगे, ये कॉम्ब अगर आप चेंज कर देंगे और ये वाला अगर आप यूज़ करेंगे तो ये इसका दुगना है, तो मतलब अगर अभी आप जैसे उस वाले से यूज़ करेंगे तो यहाँ पर 10 mm तक मिलेगा, लेकिन अगर आप ये वाला लगा देते हैं कॉम्ब तो इसमें आपको 20 mm तक मिलेगा, तो उसका दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और
इसकी अगर हम कुछ और बात हाईलाइट की बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर MI लिखा हुआ है, नीचे की तरफ यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, अगर आपको देख आप देख पा रहे हैं तो कुछ चमकीला सा IPX7 यहाँ पर दिया गया है लिखा हुआ, ये यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, इसको आप कोई भी अपने फ़ोन से चार्ज कर सकते हैं। अब इसके लिए और यहाँ पर देखें तो ओपन का यहाँ पर दिया गया है, ये कॉम के ओपन के लिए था, और जो ब्लेड है इसकी स्टेनलेस स्टील ब्लेड है, और MI का ऐसा कहना है ये जितना चलता रहेगा उतना यहाँ पर शार्पर होता रहेगा, इस तरीके से ये इसका डिज़ाइन बनाया गया है। तो अभी आप अगर कोई भी इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको इसकी लेंथ सेट करनी है, इस प्रकार से ये कॉम्ब इस पर लग जाएगा। अब आपको इसको घुमाना है, ये देखिए कोई भी लेंथ अगर आपको चाहिए 0 से यहाँ पर 10 तक का चाहिए तो ये कहीं भी आप घुमा सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब अभी मैंने यहाँ पर 4 mm में रख दिया है तो ये 4 पे आ गया है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर पावर बटन है, इसको हम चला देते हैं तो कुछ इस प्रकार से चलता है, ये देख सकते हैं आप। बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी चलती है, बैटरी मैंने चला के देखी हुई है इसकी, तो एक बार आप चार्ज करेंगे चार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, लगभग आधा घंटा लगता है इस पर चार्ज होने पर, और आपका 90 मिनट्स आराम से चल जाता है, तो आपको इसमें कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि बैटरी की कमी लग रही है, और बैटरी भी काफ़ी अच्छी चलती है इसकी। और एक और बात है जो इसमें स्पेशल है, वो चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी। तो मैंने आपको दिखाया कैसे ये वॉशेबल भी है, आप इसको आराम से धो सकते हैं इस प्रकार से, अगर जैसे आप अपनी बियर्ड कर लेंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जैसे स्टेनलेस स्टील ब्लेड है और ये कॉम्ब है, तो कॉम्ब को आप निकालने के बाद यहाँ पर पूरा सरफेस यहाँ पर धो सकते हैं बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया, पूरा वाटरप्रूफ है, आराम से धो के इसको फिर से सुखा के और बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो यह इसकी खासियत है यहाँ पर, तो इसलिए यह मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसको आप आराम से धो भी सकते हैं, वॉशेबल है, और यूज़ करेंगे तो 90 मिनट आपका आराम से चल जाएगा, और काफ़ी सारे लेंथ इसमें दिए गए हैं, तो आप मल्टीपल इसको यूज़ कर सकते हैं, भले बियर्ड के लिए करें, बड़ी बियर्ड के लिए करें, छोटी बियर्ड के लिए करें, या फिर अपने हेयर के लिए करें, तो हेयर के लिए भी मैंने एक बार यूज़ कराया है इसे, लेकिन ये बियर्ड ट्रिमर है तो ज़्यादातर बियर्ड ही यूज़ करिए आप, क्योंकि ज़्यादा हेयर में क्या रहता है, ज़्यादा बाल रहते हैं तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं ये ब्लेड के, लेकिन स्टेनलेस स्टील ब्लेड दी गई हैं तो अपने आप ही साफ भी होती हैं, कोई अलग से इसमें ऑयल डालने का या फिर कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, या इसकी ब्लेड को आप चेंज कराएंगे ऐसा अभी तक तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई है, 1 साल से ऊपर मेरे को हो चुका है यूज़ करते हुए, तो इस प्रकार से आपको इस देखने को मिलता है। तो यही था इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग में मैंने आपको दिखाया इसमें क्या क्या यूनिट्स हमें मिलती हैं देखने को, और रिव्यू अगर मैं बताऊँ तो रिव्यू यही है, मैंने 1 साल से जो मैं इसे चला रहा हूँ तो बहुत ही बढ़िया मेरे को इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो मैं आपको यह इसलिए रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रिमर लेते हैं तो ये MI का ट्रिमर भी ले सकते हैं जो मेड इन इंडिया वाला है। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा अमेजोन से, जहाँ से कि आप जाके अपना बियर्ड खरीद सकते हैं, बियर्ड ट्रिमर खरीद सकते हैं, अमेजोन से मैं लिंक दे दूँगा जहाँ पर आपको कुछ ऑफर भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह ट्रिमर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया ट्रिमर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन